हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो आज हम अपने यहाँ अपने दादा के यहाँ से जा रहे हैं घर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पर गांव में क्या क्या चीज़ है, और हम मैं कहाँ पढ़ती थी वो भी दिखाऊंगी आज आपको। तो खेत यहाँ पे, और ये है हमारा गांव। गांव में एक बहुत दूर दूर में एक एक गांव घर बना हुआ है, जैसे ऐसे देख सकते हैं, एक फिर एक फिर एक खेतों पे बना रखा है। ऐसे हमारा था एक घर बना हुआ। तो आज हम यहाँ पे मतलब ट्रैवलिंग करने के लिए आने जाने का भी साधन ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो गांव है बेसिकली, तो इसलिए नहीं है। तो गाड़ी तो चली गई, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि और का क्या क्या है, और मैं कौन से स्कूल में पढ़ती थी वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइज, ये है मेरा स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ती थी। अब इसका ऐसा हाल हो चुका है, अब नहीं पढ़ते इसमें ना मम्मा। यहाँ पे मुझे इस वाले पिंक वाले में चोट लग गई थी गिर के। और ये इतना बड़ा पेड़ है, यहाँ खाना वाना बनता था। मम्मी देख के आओ, यहाँ पे छठ पूजा मनाते हैं। यह है मेरा स्कूल जहाँ मैं पढ़ती थी। ये लिखा हुआ है देवगढ़ संकुल संस्थान केंद्र, और यहाँ मैं पढ़ती थी जब मैं छोटी थी। तो ये है इसकी क्लासरूम्स, और ये भी क्लासरूम्स है, बंद है अभी। तो बस इतना छोटा स्कूल है, इसमें मैं पढ़ती थी। और ये है बाहर का पेड़ बहुत बड़ा। तो आप बताना मेरा स्कूल कितना अच्छा था। और स्कूल देख खुशी हो रही है, मेरी मम्मा है ये, मुझे बोली कि स्कूल देख ले, तो मैंने अपना स्कूल देख लिया। मेरा स्कूल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद आकर। तो चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ कि क्या क्या है मेरे गाँव में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। तो यहाँ एक और स्कूल है जहाँ मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन जब ये इसका इनोग्रेशन हो रहा था तो मैं यहाँ से चली गई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा वो वाला स्कूल बहुत बढ़िया है वो भी, लेकिन वो थोड़ा दूर है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि फिर हमें इतना सारा चलना पड़ेगा। एक बात बोलूँगी, मैं इस गाँव में ना बहुत प्यार मिलता है। ये तो मैंने, हम इतने साल बाद आए हैं, तो ये नहीं कहूँगी कि इतने साल बाद आने के बाद हमें प्यार मिला है, लेकिन सबको प्यार मिलता है, ये देखा मैंने। तो मैं अपना स्कूल दिखाती हूँ आप लोगों को। वो उधर मेरा स्कूल है, वो वाला मैं पढ़ी नहीं इसमें, लेकिन जब वो बन रहा था तभी मैं दहलीज से शिफ्ट हो गई थी। तो ये तो मैं आपको और दिखाऊंगी कि कहाँ यहाँ पे कौन कौन सा मंदिर है, और कैसे हम कुटिया, मैं कल खीर बना रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे एक कुटिया भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरे पापा के यहाँ पे एक नहर भी है जो मैं अभी दिखाऊंगी, पानी वानी भरा हुआ है, बिल्कुल फ्लो से चल रहा है। तो इसको अब मेरे पापा भी मम्मा कह रही है कि इधर ही आए हुए हैं, क्योंकि वो पीपल का पेड़ कटवाना था अंदर से जड़ से, तो उसके लिए। तो आज या कल तक हमारी पूरी सफाई हो जाएगी। फिर घर का कुछ प्रोसेस है जो कि कंप्लीट करना है पापा को, तो वो पापा को करना है, वैसे हमें तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब नहीं है काम से, तो पापा जी कर देंगे। अच्छा, पेड़ हमारे गांव का कुटिया, इसमें क्या होता है मम्मा बेसिकली। और ये है नहर हमारे गांव का, देख सकते हैं है, पोखरा है। क्या है, पोखरा, इतना बड़ा पोखरा होता है। अच्छा, पानी ज़्यादा ना, ओके। तो ये हमारे गांव का पोखरा है, और ये रहे पेड़। पेड़ पौधे बहुत है, क्यों मम्मा कह रही है ये पोखरा बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस। तो ये है पेड़, मतलब पेड़ की कमी नहीं है, बहुत सारे पेड़ है। हाँ, गुलर का पेड़ है। हेलो गाइस, तो मैं आपको दिखाती हूँ आप हमारे यहाँ का मंदिर। वहाँ एक डॉक्टर सामने वाला, यहाँ पे डॉक्टर्स भी बहुत दूर दूर हैं, और एक दो हैं ही, लेकिन दिखाती हूँ आपको मैं अपने यहाँ का। बाल जा रहे हैं मुँह में, तो दिखाती हूँ, लेट्स।
गांव का मंदिर का पेड़ ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। अब मैं खेत दिखाऊंगी अपने, कितने बड़े बड़े खेत हैं हमारे यहाँ। और अब बस रास्ता फिनिश होने वाला है, हम क्रॉस एंट्री पर आएंगे। कौन सा? ये देख सकते हैं आप, ये जामुन का पेड़ है। और यहाँ पे है घर भैंस भैंस, और ये है हमारी गाय माता। सो बेसिकली देखा जाए तो सब कुछ नॉर्मल है गांव में। बहुत खुशी हुई मुझे 2 दिन रहकर। तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि अब पापा का काम रह गया है, हमने अपना घर देख लिया। 2-4 दिन में अगर हमें मौका मिला तो हम 1-2 दिन के बाद या 10-5 दिन के बाद फिर से आएंगे अपने गांव, क्योंकि हमें देखना है गांव अच्छे से हो गया या नहीं घर, और फिर बताते हैं आपको। देखिए आप लोग देख सकते हैं, और ये पेड़ है बस वारिया, और ये है हमारे खेत। इतने सारे गांव में ये घर मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे गांव में घर। बाहर वाला मैं ऐसे ही बनवाई, मेरी मम्मी के शौक देख रहे हैं आप लोग, सबके खेत देख सकते हैं आप हमारे गांव में जितने भी हैं खेत। ये मशीने वसीने रख रखी है बाहर, ये देखिए पानी। तो ये है खेत जोतने का मशीन, क्या है मम्मा को भी नहीं पता है, बोले जा रही है बस। चलो ठीक है, मैं वीडियो दिखा के पापा से पूछ लूंगी। मच्छर फ्लाई ओवर भी बन रहा है हमारे इधर। क्या बता रही मेरी मम्मा, कुछ बता रही थी कि खेती हो रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरा पानी भरा हुआ है खेतों में, और अभी सब खेती कर रहे हैं, तो अपने में खेतों में सब बीज बो रहे हैं। तो अभी खेती का मौसम है जिस कारण हमारा घर नहीं बनना है, कुछ मंथ बाद हमारा घर बनेगा, तो हम तो आ नहीं पाएंगे, हमारे पापा आएंगे। रास्ता बहुत दूर है और हमें बहुत दूर जाना है, गांव में कोई साधन ही नहीं मिला, तो पापा ने बोला आप लोग चले जाओ। और टेम्पो वगैरह जाते तो हैं लेकिन 9-10 बजे के बाद जाते हैं, तो हमारे लिए धूप हो जाएगा क्योंकि मामी के यहाँ पर जाने में टाइम भी लगता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाया भी रखा है इतनी दूर है, लेकिन मैंने काट काट के कल डाला है, अच्छा अच्छा है। तो अभी हम जा रहे हैं और अपने नानी के, अभी नानी के यहाँ जा रहे हैं अगेन, क्योंकि फिर हमारे सारे कपड़े वगैरह सब कुछ वहीं पर है। तो लेट्स सी हमें क्या क्या मिलता है अभी देखने को गांव में। तो मुझे तो गांव में आकर बहुत खुशी हुई, और लोगों से भी मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत प्यार मिला गांव में। रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई मैं, लेकिन जो प्यार मिला वो तो हमेशा रहेगा मेरे पास। तो आप मेरी मम्मा को देख सकते हैं, मेरी मम्मी ने सामान उठा रखा है, मैंने भी ले रखा है, लेकिन पास में रखा है। ये पापा जी का सामान नहीं लाई है, ये हमारे नहीं मम्मी, रोड तक आने के लिए इतना दूर चलना पड़ रहा है, मतलब 3-4 गांवों को क्रॉस करने के बाद, 5 गांव क्रॉस करने के बाद हमारा वो चौथा पैर का दिन क्या कहते हैं रोड का मंजिल मिलेगी, जिंदगी का महत्व। सबसे लास्ट में मुझे लगता है कि मेरे पापा का ही गांव है ना?
पीछे जाके बसा हुआ है पूरा, हमारा घर भी पीछे साइड में बसा हुआ है। ये तब रेलवे फाटक आएगा और हम क्रॉस कर लेंगे। हाँ आ गया, अभी तो थोड़ा आगे है, तो उसके बाद खींचते चल। मम्मी कह रही है खींचते चल, पता चल जाएगा। मम्मी को भी कुछ याद नहीं था कि क्या है, और मम्मी को ये भी पेड़ों में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि विदेश में रहने लग गई है ना। हाँ इनको, हाँ इनको खुद याद नहीं है कौन सा पेड़ क्या होता है। हाँ मैंने देख रखा है, वो तो मेरे को पीयूष भैया ने दिखाया था, बताया था। तो आई लव दिस टाइप ऑफ हाउसेस, ऐसे घर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। अंदर तो नहीं देखा मैंने आज तक कैसा है, तो गांव का व्यू देख सकते हैं आप लोग। एक एंट्री जगह है जहाँ से दिखाऊंगी आप लोगों को कैसा है। तो यह है पूरा गांव, आगे पीछे आप मेरे देख सकते हैं, पेड़ पौधे ही हैं सबसे ज़्यादा। तो सब लोग अपना अपना नया नया मकान बना रहे हैं, मतलब अपने अपने क्या कहते हैं प्लॉट्स में बना ले रहे हैं। तो ये आ गया है, यहाँ से क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कुद्रा। कुद्रा जाने के बाद फिर हमारे जीजू आएंगे लेने हमको, फिर हम जाएंगे अब मानी, मानी हमारे नानी का गांव, वहाँ जाके रहेंगे। इसको पार करके हम लोग जाते हैं अपने गांव को, छोड़ देते हैं मतलब पांचों गांव को इसके अंदर। हाँ गाड़ी नहीं आ रही, आ जाओ। हम आए थे तो टेम्पो लाए थे, तो वहीं पे स्टॉपेज कर लिया था क्योंकि दूसरी ट्रेन आ रही थी, तो अभी ठीक है। ये है एंट्री करने से पहले हमें यहाँ तक आना पड़ता है पांचों गांव में, फिर जब एक एक करके पांचों गांव में एंटर होंगे हम। इधर से आ रही है, सो बाय बाय गांव मेरा, मेरा गांव क्या पांचों गांव। ये है बाहर का व्यू, ये बीज निगम है। अच्छा पपाया मेरे चीज में दिलाया है, और ये है मेरे मामू जी। अभी मैं अपने चीज़ को दिखाऊँ, स्टैंड। ये है मेरे जीजा जी।